नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बनाने जा रही हूं धुली हुई मूंग की दाल। आज हम दाल ढाबा स्टाइल बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी है और इसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। मैंने बहुत ही कम मसालों में ढाबा स्टाइल दाल बनाई है। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मूंग की दाल ढाबा स्टाइल, जिसके लिए मैंने एक कटोरी दाल ली है, ये 250 ग्राम के करीब है। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, दाल को हम बाउल के अंदर भिगोएंगे। दाल बाउल के अंदर डाल देंगे और अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। दाल भिगोने से फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम दाल को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट तक भीगने देंगे। अगर आपको दाल जल्दी भिगोनी है तो गुनगुने पानी में 5 मिनट तक इसे छोड़ दें। 10 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। अब हम दाल को अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे। आज दाल हम कुकर में नहीं बनाएंगे, आप कोई भी भगोना या कोई भी खुले मुंह वाला बर्तन ले सकते हैं दाल को बनाने के लिए। गैस मैंने ऑन कर दिया है और 4 गिलास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे। पानी उबल गया है, दाल को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब हम दाल भी इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से दाल बनाएंगे तो दाल बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे दाल को हम उबलने देंगे। अब हम दाल के अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, मैंने छोटा आधा चम्मच हल्दी का लिया है, और नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब हम दाल के अंदर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, मैंने 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल की जगह आप 1 चम्मच देसी घी का भी डाल सकते हैं, उससे भी दाल का टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। अब हम दाल को ढककर पकाएंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट बाद हम वापस से दाल को चेक करेंगे। दाल हमारी अच्छे से उबल गई है। अब दाल के ऊपर जो छाग आ रहे हैं पीले पीले, इनको हम निकाल देंगे। इनको निकालने से दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप दाल एक बार ज़रूर बनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएगी। अब हम दाल को मीडियम फ्लेम पे इसी तरह 5 से 7 मिनट तक उबलने देंगे। दाल को हम ढक देंगे। देखिए फ्रेंड, 7 से 8 मिनट दाल को पकते पकते हो गया है। आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है, गैस हमारी ऑन है। पैन के अंदर हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, आप सरसों के तेल में या देसी घी में भी दाल को तड़का लगा सकते हैं। पैन के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे, तेल अच्छे से गर्म होने पे हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। हींग डाल देंगे 1/4 चम्मच। राई डाल देंगे हम 1/4 चम्मच। अब हम इसके अंदर 2 तेज पत्ता डाल देंगे। तेज पत्ता डालने से दाल का टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाता है। 2 सूखी लाल मिर्च ली है, उनको हम तोड़ के डाल देंगे। जब भी आप सूखी लाल मिर्च डाल लें तोड़कर डालें। मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको बारीक बारीक काट लिया था, वो भी हम पैन के अंदर डाल देंगे। 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनको भी हम डाल देंगे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम
इन्हें भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अदरक और लहसुन हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें दो हरी मिर्ची ली है मैंने, जिसको बारीक बारीक काट लिया है, और दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, इनको भी बारीक बारीक काट लिया है। प्याज और हरी मिर्ची को भी हम तेल के अंदर अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना, नहीं तो हमारी प्याज जो है वो जल जाएगी। मैंने दो टमाटर लिए हैं जिनको बड़े टुकड़ों में काट लिया है, वो भी डाल देंगे। प्याज और मिर्ची और लहसुन अदरक हमारे अच्छे से भुन जाने के बाद अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 2 छोटे चम्मच। काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 1/4 चम्मच। लाल कश्मीरी मिर्च से फ्रेंड बहुत ही अच्छा कलर आता है। और सिंपल मिर्च डाल देंगे हम, जो हम सब्जियों में यूज करते हैं, 1/2 चम्मच। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। काली मिर्च हमारी आंखों के लिए काफ़ी अच्छी होती है और हल्का सा तीखापन आता है तो दाल का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर जो है हमारे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है बस टमाटरों को हल्का सॉफ्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये तड़का हम दाल के अंदर डाल देंगे। और गैस को हम वापस से ऑन कर लेंगे। मसाला दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाले को भी दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिए से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और ये दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। देखिए फ्रेंड, ढाबा स्टाइल दाल फ्राई तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। दाल को हम एक सर्विंग बाउल में डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी सी हमारी दाल तैयार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।